नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से बड़ी खबर है, जहां 1,80,00,000 की शराब जब्त हुई है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ट्रक में यूपी से लाई जा रही थी शराब, चुनाव में खपाने की आशंका जताई जा रही है। आरटीओ बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब को पकड़ा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी। इसी कड़ी में भिंड से 1,80,00,000 की शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी है। ट्रक में यूपी से ये शराब लाई जा रही थी, चुनाव में खपाने की आशंका जताई जा रही है। इस शराब को आरटीओ बैरियर पर चेकिंग के दौरान शराब पकड़ाई। अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। एमपी कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी से बगावत करने वालों पर कार्रवाई की है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई की है पार्टी ने, और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पार्टी से निकाले गए हैं। दलों से चुनाव लड़ने वालों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई है। 6 साल के लिए कांग्रेस के 39 नेता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। पार्टी से बगावत करने वालों पर कार्रवाई हुई है। 6 साल के लिए 39 नेता निष्कासित कर दिए गए कांग्रेस से। बगावती तेवर दिखाने वालों पर बड़ा एक्शन कांग्रेस का। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पार्टी से निकाले गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल श्योपुर के दौरे पर आएंगे। अमित शाह का हेलीकॉप्टर शहर के वीर सावरकर स्टेडियम पर हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद वो कार से मेला मैदान पहुंचेंगे, जहां मंच से जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें, गृह मंत्री का श्योपुर जिले का दौरा पिछले 2 महीने में 2 बार बारिश और अन्य कारणों के चलते निरस्त होता गया था। उन्होंने श्योपुर की जनता से श्योपुर आने का वादा किया था। उनके कार्यक्रम की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। सुरक्षा में तैनात एक टीम यहां पहुंच चुकी है। अमित शाह कल एक दिवसीय दौरे पर श्योपुर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम काफी भव्य होने वाला है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये टेंट लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। वो बीजेपी प्रत्याशी दुर्गालाल विजय के लिए यहाँ की जनता से वोट मांगेंगे। मंच बनाने का काम से लेकर के बैरिकेटिंग यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं, मजदूर यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं। दूसरी ओर गाड़ियाँ बैरिकेट ढो रही हैं और जो दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रही हैं। कल शाम 3 बजे उनका हेलीकॉप्टर वीर सावरकर स्टेडियम पर हेलीपैड पर उतरेगा। उसके बाद में अमित शाह कार द्वारा यहाँ पर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी दुर्गालाल विजय के लिए जनता से वोट मांगेंगे। सुरक्षा की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, बाकी के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और कल का जो कार्यक्रम है काफी भव्य होने जा रहा है। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि राजा साहब आप भी कसब करते हैं, आपका पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर है, इसलिए इस वीडियो को देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। पाकिस्तान की वीडियो को शेयर करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने लाहौर का एक वीडियो शेयर किया एक्स पर और इसे भारत का बता दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तो दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राजा साहब आप गजब करते हैं, आपका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। सीएम शिवराज के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं सीएम, सीएम को महंगाई को लेकर मंचों से बात करनी चाहिए, हर सभा में महंगाई की बात करें तो अच्छा होगा, विकास की बात करें, पाकिस्तान धर्म सनातन की नहीं, अपने पापों को छुपाने के लिए चुनाव की दिशा भटकाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के नेता सीएम शिवराज, ये कह रही है कांग्रेस। शिवराज सिंह जी हर सभाओं में जी महंगाई की बात करें तो अच्छा होगा, पाकिस्तान धर्म सनातन क्यों ला रहे हैं, विकास की बात करें, वो ये बताएं कि मध्य प्रदेश में महंगाई क्यों बढ़ी है, उसके दोषी कौन हैं, मुनाफाखोरों को किसने संरक्षित किया, शिवराज जी उस पर बात करें, अपने पापों को उलझाने के लिए वो दिशा भटका रहे हैं चुनाव की, ये नहीं होना चाहिए। जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चौक स्थित मंदिर में पूजन के बाद रोड शो किया। जबलपुर के कैंट विधानसभा से प्रत्याशी अशोक रोहानी के समर्थन में रोड शो भी उन्होंने किया। रोड शो के आगे बढ़ते एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। जहां सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा तो वहीं कमलनाथ ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। एमपी में जैसे ऐसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। सतना में सीएम शिवराज ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर विंध्य की उपेक्षा करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर पाप किया, को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी, आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे, आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। वहीं सीएम शिवराज के आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दुखी है, परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है, मध्य प्रदेश के मतदाता ये सामने, कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में, ये जनता मेरी गवाह है, क्या हुआ 15 महीनों में, मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बताएं अपने 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या क्या किया। कमलनाथ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 18 महीने में उन्होंने क्या किया, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया, कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया, बताने के लिए कुछ है नहीं। एमपी में प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी वार पलटवार का दौर तेज होता जाएगा।
सीएम शिवराज छतरपुर जिले के बिजावर में पार्टी प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए शिवराज ने कमलनाथ के मध्यप्रदेश चौपट वाले बयान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ये कहते हैं कि भारत बदनाम है, मध्यप्रदेश चौपट है, इनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए। इतने सुंदर प्रदेश को चौपट प्रदेश कहने वाले कमलनाथ जी को जनता मजा चखाएगी, ये मध्यप्रदेश की जनता का अपमान है। क्या उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास? अरे वो दूसरे विधानसभा नहीं, दूसरे जिले से नहीं, वो तो दूसरे प्रदेश से उम्मीदवार लेके आए हैं। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। और एक गाना और याद आ रहा है मेरा, परदेशियों से ना अखियां मिलाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री और मुरैना के दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि नहीं है, 18 महीने की कमलनाथ सरकार जनता देख चुकी है, बीजेपी मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाएगी। कोई जन कल्याण और विकास का काम नहीं किया है, इसलिए इस प्रकार की फालतू बातें करके अखबारों में सुर्खियां बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनका स्खलन पूरी तरह हो चुका है। इनके नेता को भी 7-7 बार लॉन्च किया गया, वो लॉन्चिंग भी फेल हो गई है। 18 महीने की कमलनाथ सरकार का फेलुअर भी जनता देख चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी भी और आने वाले कल में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश में। खबर सागर से, जहां लोक निर्माण मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र दीपू भार्गव का चुनाव प्रचार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कांग्रेसियों से अपने पिता गोपाल भार्गव को निर्विरोध निर्वाचित करने की अपील कर रहे हैं। अभिषेक भार्गव ने कहा कि कांग्रेस से एक बार गोपाल भार्गव को निर्विरोध निर्वाचित करवा देते तो अगली बार हम रैली में कांग्रेस का विधायक निर्विरोध निर्वाचित करवा देते। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता को सीएम का दावेदार भी बताया है। ये बार जब बात मुख्यमंत्री की है तो ऐसा इतिहास रचो कि रेहली विधानसभा में कांग्रेस के लोगों का नाम अमर हो जाए कि जब भैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भैया कांग्रेस के लोगों ने निर्विरोध करा दिया भैया को। अगर वे ये बार निर्विरोध करा देते तो हम अगली बार कांग्रेस के विधायक को भी निर्विरोध करा देते। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना और अशोकनगर जिलों में चुनावी सभाएं की। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थन में आमसभा को संबोधित करने बमौरी पहुंचे सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर जमकर जुबानी हमले किए। सिंधिया ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की नहीं बल्कि एक ऐसी जोड़ी की सरकार बनी थी जो विकास नहीं होने दे रही थी। अगर जोड़ी की सरकार को वे और उनके समर्थक विधायक नहीं गिरवाते तो क्षेत्र का विकास रुक जाता। अगर कांग्रेस की सरकार होती अगर कांग्रेस की जोड़ी होती तो सीएम स्कूल मेमोरी को मिलती, सरकार बदला ठीक किया, सरकार बदला ठीक किया। अगर सरकार नहीं गिरती होती तो शिवराज सिंह जी अगर नहीं आते तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना मेरे 4 लाख अन्नदाताओं का ब्याज 2500 करोड़ रुपए का माफ नहीं होता। अब तक तो महाराज गांव ही बना देते। 6,000 रुपया आपको मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। इस बीच कांग्रेस ने सिंधिया पर पलटवार किया और उन्हें अवसरवादी नेता बताया। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष संतोष गौतम ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया, इसलिए वे अपनी खीज निकालने का काम कर रहे हैं। सिंधिया अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने भाजपा में गए हैं। जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं कहीं भी हों, किसी भी दल में हों, वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो ये सपने देखते थे कि जब कांग्रेस कब सत्ता में आएगी, कब मैं केंद्रीय मंत्री बनूंगा, कब मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब एक बार वो मुख्यमंत्री बनने की उनकी आकांक्षा कांग्रेस में पूरी नहीं हो पाई तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और जिस प्रकार से वो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी पर हमला कर रहे हैं, वो अपना जो भड़ास है, वो अपनी खीज है, वो निकाल रहे हैं लगातार, क्योंकि उन लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नकली चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। सब जनता के सामने दिग्विजय सिंह ने लगातार बता दिया है कि अवसरवादी नेता है जो अपने स्वार्थों की खातिर, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, पैसों के लालच में बिक गए और न केवल खुद बिके बल्कि अपने साथियों को भी बिकाऊ बना दिया। और मैं समझता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो भी कह रहे हैं उसके कोई मायने मध्य प्रदेश की जनता के सामने नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की त्योंथर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने त्योंथर से जवा तक रोड शो किया। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर कई तीखे वार किए, कमलनाथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मैं यहाँ आया हूँ तो माता कालिका को, भगवान को मैं नमन करता हूँ। मैं यहीं से माँ विंध्यवासिनी जी को नमन करता हूँ। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जो रीवा की धरती से निकलकर उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान किया और देश को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा इतिहास इस क्षेत्र का रहा है। अभी राजेंद्र शुक्ला जी जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 15-20 मिनट में जो वक्तव्य दिया और बाद में जनार्दन जी ने भी जो कहा, उसकी गहराई को समझना चाहिए। और जब मैं गहराई कहता हूं तो उन्होंने कोई भी बात प्रमाण सहित किस तरीके से पिछले समय में रीवा के विकास में उन्होंने योगदान किया है, इसकी चर्चा की। जनार्दन जी ने कोरोना के समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की चिंता बगैर किए हुए समाज की सेवा की, उसकी चर्चा की। एमपी के प्रचार किरण में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी उतर गए। छतरपुर में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इंडी अलायंस को धोखा देने का आरोप लगाया। ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था। वहीं निशा बांगरी को कांग्रेस ने प्रदेश का महामंत्री बना दिया। आमला से टिकट के दावेदार थी निशा बांगरी को संतुष्ट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में उनको जगह दी गई। अगर कांग्रेस की तरफ से मुझे सकारात्मक क्या? निशा बांगरी को कांग्रेस ने प्रदेश का महामंत्री बनाया है। आमला से टिकट के दावेदार थी लेकिन इस्तीफे का पैंच उनका फंसा, इसलिए कांग्रेस ने आमला से किसी और को टिकट दे दिया। उसके बाद निशा बांगड़े को संतुष्ट करने के लिए उन्हें महामंत्री, प्रदेश महामंत्री का पद दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। गुड्डू रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। इस्तीफे में उन्होंने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। साफ तौर पर लिखा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने आपस में ही पूरे टिकट बांटकर अपने समर्थकों को दे दिए। कांग्रेस में पट्टावाद हावी है और कांग्रेस के सर्वे में वे आगे थे, बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। प्रेमचंद गुड्डू आलोट में लंबे समय से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। आलोट विधानसभा सीट से इस बार भी दावेदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट में देते हुए विधायक मनोज चावला को ही फिर से मैदान में उतार दिया। आज मुझे बड़े भारी मन से
इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से देना पड़ रहा है इन बड़े नेताओं के वजह से, जो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हम लोगों ने इस कांग्रेस के लिए खून पसीना एक किया है। प्रदेश युवा कांग्रेस से लेके तमाम सारे आंदोलन प्रदर्शन राजीव जी के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और 20 सूत्री कार्यक्रम से लेके सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इनने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को गुमराह किया है और जो एक माहौल, एक फिजा कांग्रेस के लिए मतभेद में बनी हुई थी, वो फिजा बिगाड़ने का काम किया है इन दोनों नेताओं ने। जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कभी माफ़ नहीं करेगी। बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बुरहानपुर में भी इस्तीफों की झड़ी लग गई। बीजेपी दफ्तर पर हर्षवर्धन सिंह सहित 200 से अधिक बीजेपी के बागी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के समक्ष पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके पूर्व सभी ने अटल स्मारक पर मत्था टेका। इस दौरान हर्षवर्धन ने खुद का चुनाव चिन्ह ट्रक भाजपा जिला मनोज लधवी को दिखाया और हर्षवर्धन बोले कि बुरहानपुर से छल कपट करने वाले नेताओं को बीजेपी के बाहर का रास्ता हम दिखाएंगे और एक नई बीजेपी बनाएंगे। कितने लोग इस्तीफा देंगे और क्या स्थिति होगी? मैंने कहा इस्तीफों की तो झड़ी लगेगी और स्थिति जो हम बनाएंगे वो 1980 जैसी बनाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी का नवीन गठन हुआ। बुरहानपुर से ये छल कपट वाले जो नेता हमारी पार्टी में घुस के बैठे हैं, इनको बाहर करके हम बहुत जल्द एक पुनः साफ सुथरी भारतीय जनता पार्टी। एक और इस डिजिटल युग में जागरूकता कार्यक्रमों में हाईटेक साधनों का उपयोग हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर हरदा शहर के रहने वाले बुजुर्ग सुशील बैलगाड़ी पर घूमकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बैलगाड़ी पर तिरंगा झंडा और भारत माता का चित्र लगाकर सुशील समाज को जागरूक करने के साथ ही युवाओं को भारत माता का यश बढ़ाने वाले काम करने का संदेश दे रहे हैं। वे विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं, साथ ही देश हित में काम करने वाले व्यक्ति को चुनने की भी अपील कर रहे हैं। हरदा जिले के खूटवाल गांव में टिमरा ने बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार वाहन को रोककर विधायक प्रतिनिधि के साथ गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया। दो दिन पुराने वीडियो में नशे की हालत में दो युवकों ने विधायक प्रतिनिधि कैलाश अग्रवाल को रोककर झूमा झटकी की थी। वीडियो सामने आने के बाद विधायक प्रतिनिधि ने दो युवकों पर मामला दर्ज करवाया है। जिले के ASP ने बताया है कि मामले में शिकायत पर सिराली थाने में दो युवकों हरिनारायण और बलराम पर केस दर्ज किया। हरदा से खबर है, बिजली सब स्टेशन पर किसानों ने धरना दिया। टेमा गांव में बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। 10 गांव के किसान धरने पर बैठ गए। आज टेमा गांव पावर हाउस पर लगभग 10 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं। किसान परेशान हैं और खेतों में पलेवा नहीं हो। आज टेमा गांव पावर हाउस पर लगभग 10 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं। किसान परेशान हैं और खेतों में पलेवा नहीं हो पा रहा है। सारे किसानों में आज पावर हाउस आज टेमा गांव पावर हाउस पर लगभग 10 गांव के किसान एकत्रित हुए हैं। किसान परेशान। उज्जैन के आगर रोड स्थित कोयला फाटक पर गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो अज्ञात युवकों ने शराब की दुकान पर पेट्रोल पंप फेंक दिया। इस दौरान दुकान पर कुछ लोग खड़े होकर शराब की खरीदी कर रहे थे। पेट्रोल पंप फटते ही एक दो लोग उसकी चपेट में आकर झुलस गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। भोपाल के एमपी नगर के निजी होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे और मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट और हंगामे का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ दूसरे धर्म के दो लोगों को पकड़ा है और उनसे मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर दिया और उनसे पूछताछ की जा रही है।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के दीदार का शानदार नजारा सामने आया। टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन में मॉर्निंग सफारी के दौरान की तस्वीरें हैं, जब बाघ दर्शन के लिए सफारी पर निकले सैलानियों के सामने अचानक जंगल से निकलकर एक बाघ सड़क पर आ गया और आगे आगे चलने लगा। बाघ के इस शाही अंदाज को देख सैलानी रोमांचित हो उठे और अपनी जिप्सी को रोक कर एक टक बाघ को निहारने लगे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।